नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट चुका है, जिसके बाद बिहार में इन महागठबंधन की नई सरकार बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुदाई से बेचैनी बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये बीजेपी यूं ही अकारण नहीं है। बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत 7 दल है और ये अपराजय है, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के अंतर्गत जदयू, कांग्रेस और राजद की बात की जाए तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो मिलकर बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकती है, जिसके लिए बीजेपी बेहद परेशान दिख रही है। और यही नतीजा है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बिहार में लगातार जारी है। बीजेपी जदयू पर खासा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि उसके सामने एक बड़ी और कड़ी चुनौती है जिसका सामना करना बेहद मुश्किल है। दरअसल नीतीश कुमार की जुदाई को लेकर भाजपा की बेचैनी अकारण नहीं है। महागठबंधन के 7 दलों के मिलन से होने वाली वोटों की गोलबंदी को तोड़ना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। बाकी दलों को छोड़ भी दे तो राजद, जदयू और कांग्रेस के आधार वोटों से ही महागठबंधन अपराजय बन सकता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी इस मिश्रण के प्रभाव को भाजपा झेल चुकी है। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता खुल सकता है, ये कानून व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य सरकार की चूक से संभव है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो भाजपा जोर से नारा लगाएगी, देखो आ गया जंगल राज आ गया। इस मुद्दे पर राज्य की जनता एनडीए के पक्ष में जुटी थी, नीतीश कुमार अपराजय बन गए थे। सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भाजपा को ये अवसर देंगे? पिछले 4 चुनावों के परिणाम पर गौर करें, भाजपा के वोट बैंक में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का जादू सिर पर चढ़कर बोला, भाजपा को 29.40% वोट मिला। 19 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो उसके वोट में 5% यानी 24.4% की गिरावट आई। विधायकों की संख्या 2010 में 91 के मुकाबले 53 पर सिमट गई। उधर जदयू के शामिल होते ही महागठबंधन का ग्राफ बढ़ गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद और जदयू अलग अलग लड़े थे, राजद को 20.10% और जदयू को 15.10% वोट आया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में दोनों के वोट में मामूली उतार चढ़ाव हुआ, राजद को 18.4% और जदयू को 16.8% वोट मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जदयू या नीतीश कुमार के वोटर उनके अकेले लड़ने या किसी के साथ गठबंधन बनाने के हालत में साथ देते हैं। वोट ट्रांसफर करने की नीतीश की क्षमता 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साबित हुई। 2014 के तुलना में भाजपा के वोट 23.58% में कमी आई, जदयू का वोट 21.81% बढ़ गया। वहीं बात करें अगर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू दोनों का वोट कम हुआ, भाजपा को 19.46% और जदयू को 15.39% वोट मिले। इसे एकीकृत लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का असर बताया गया। चिराग दोनों घटक दलों भाजपा और जदयू के लिए दोधारी तलवार साबित हुए। लोजपा को सीट तो एक ही मिली लेकिन 55.66% वोट मिला। जाहिर है ये वोट राजद या उस समय के महागठबंधन का नहीं था, दिवंगत रामविलास पासवान के समय से ही लोजपा के पास अपना आधार वोट था। ये वोट नेतृत्व की अपील पर ट्रांसफर भी होता है। अब ऐसे में भाजपा को नए दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, तो लोकसभा चुनाव के समय कैसी परिस्थिति बनेगी इसके बारे में अभी ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है, मगर आज के समीकरण पर चुनाव हो तो महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए भाजपा को ढेर सारे नए दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। 6-9% तक वोटों को प्रभावित करने वाली पुरानी लोजपा दो हिस्सों में बंटने के बाद भी भाजपा के साथ है, संभावना यही है कि दोनों हिस्सा फिर एक हो जाए। लोजपा से भाजपा उम्मीद कर सकती है ये पुरानी सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी को राजी करने की कोशिश कर सकती है। महागठबंधन में 5 ऐसी पार्टी राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा है जो हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़ती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा में कभी न लौटने वाली जगह पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का वर्तमान दृष्टिकोण भी भाजपा के खिलाफ है। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प होती है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति का रुख बदलने का दम रखती है और इसका ही कुछ असर बिहार में इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां बिहार में बनी नई सरकार से बीजेपी बौखला गई है। और अब हमने आपको पूरा का पूरा समीकरण बताया, पूरा कैलकुलेशन बताया कि किस तरीके से महागठबंधन बीजेपी पर हावी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी पर हावी हो चुके हैं और अब बीजेपी
के पास एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से महागठबंधन को वापस से नीचा गिराया जाए और आगे बढ़कर भाजपा की अकेली सरकार बिहार में बनाई जाए। हालांकि बीजेपी ने इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ चिराग पासवान से भी बात चल रही है तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि संभावना है कि वीआईपी को भी मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।